चंडीगढ़ में सुखपाल सिंह खेरा की ओर से बनाई गई पंजाबी एकता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। पंजाब में पहले ही आम आदमी पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह बेजान हो चुकी है और कांग्रेस को उसे गठजोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में आपसे बागी हुई सुखपाल सिंह खोरा की पंजाबी एकता पार्टी आपके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। आम आदमी पार्टी से बागी खोरा के 6 समर्थक विधायकों ने फिलहाल उनकी पंजाबी एकता पार्टी ज्वाइंट नहीं की है, हालांकि वो समारोह में मंच के नीचे मौजूद थे। संभवतः ये विधायक फिलहाल अपने पदों को लेकर किसी कानूनी संकट से बच रहे हैं। नई पार्टी का ऐलान करते हुए खोरा ने कहा कि पंजाब के तमाम संकटों के लिए रियावती पार्टियां, कांग्रेस, अकाली दल जिम्मेदार है। पंजाबी कैप्टन सरकार की निंदा करते हुए खोरा ने कहा कि जुट का सहारा लेकर सत्ता में आई कांग्रेस के करीब 2 साल के कार्यकाल में 600 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, बेरोजगारी शिखर पर है, पंजाब 2.5 लाख करोड़ के कर्ज तले दबा है।